तो दोस्तों बच चुके दोपहर के एक और आज भैया धूप निकल आई है, तो मतलब काफ़ी अच्छी धूप निकली है, इसलिए जो है मैं अपनी बिटिया को जो हूँ वो धूप में ले आया हूँ। मतलब कम से कम 15 दिन बाद ये बेचारी धूप सेक रही है, तो थोड़ी देर इसको छत पे ही रखते हैं। और आज हवा भी नहीं चल रही, इतनी धूप निकली हुई हवा चल नहीं रही है, तो फिर मेरी बिटिया जो है छोटी सी वो धूप सेक लेगी, है ना? हाँ, तो हम लोग जो है वो थोड़ी देर धूप सेकेंगे फिर नीचे जाएंगे। मेरी बिटिया को धूप में मजा आ रही है बहुत ज्यादा है, इतने दिन से ठंडी लग रही थी बेचारी को, अब धूप में है, अच्छे से शिकाई कर लो धूप में अपनी। मजा आ रही है, गरम गरम सा लग रहा है, भुक्कू भी लगने लगी क्या मेरी बिट्टो को? अच्छा चलो चलो ठीक, समझ गए कि नन्ने नन्ने पैरों में भी थोड़ी धूप लग जाए, इसलिए मैंने इनके सॉक्स भी उतार दिए, है ना? छोटे छोटे पैर अपने यहाँ रख लो, धूप लग जाएगी अच्छे से। जिस प्रकार से जो है मेरे ऊपर लेटी हुई है, आराम से धूप सेक रही है, सोना बात ले रही है, सन बात। यार हमने जो है पानी का मोटर चलाया था और टाइमर लगा दिया था, तो एकदम से टाइमर बजा तो याद आ गया कि मोटर बंद करना पड़ेगा, इसलिए जो है अब जा रहे हैं सबसे नीचे अपनी बिटिया को लेके। और यार 3 मंजिल से नीचे जाने के बाद ऊपर मुश्किल से ही आ पाते हैं, लेकिन चलो ट्राई करेंगे कि दोबारा आ जाएं, इनको धूप थोड़ी सिखा दें। चलो चलते फिलहाल नीचे और मोटर बंद करते हैं। मोटर बंद करके मैं दोबारा से आ चुका हूँ छत पे, क्योंकि धूप आज बहुत अच्छी लगी है निकली है, और जो है मैंने अपनी बिटिया को ऐसे लिटाल दिया है, पैर वैरों में इसके धूप लगेगी, बाकी मुंह पे नहीं लगने दे रहे इसके धूप, और खेल भी रही है अच्छे से, खेल रही है ना मेरी बिटिया? बालों में इसके कुछ दिक्कत हो गई है, इसलिए इसके शैम्पू करना पड़ता है। धूप की गर्मी में जो है थोड़ी एक्टिव होएंगी, हाथ पैर चलाएंगी, तो हाँ आ गई है ये छत पे, खेल रही हो। कितने दिन बाद बेचारी के लिए धूप आई है, तो खेलेगी ही। तो ये भी ऊपर आ चुकी हैं। So hey guys, welcome back to my new vlog। और आज guys धूप निकली है, जिसका मजा हम लोग पूरा उठा रहे हैं। बिटिया ने तो बहुत उठा लिया है, मैं अभी आई हूँ नहाकर, एकदम मैंने सोचा नहा लूँ वरना फिर रह जाएगा, लेट हो जाता है बहुत तभी, तो अब मालिश कर रही हूँ मैं इसके, ऐसे धूप निकलती रहे, खूब मालिश करें बिटिया के, इसको भी आराम मिले, बस हवा थोड़ी चलने लगी। हाँ हवा चलने लगी है, लेकिन मालिश हो जा रही है आज मेरी बिट्टो की। ये बिटिया को परेशान कर रही है, जाओ भाई यहाँ से जाओ, आप यहाँ से जाओ। अच्छा धूप में भी जो अलग प्रकार की एनर्जी है जो किसी में नहीं है, है? गर्मियों में हम लोग धूप से बचते हैं और ठंड में धूप के लिए तरसते हैं। मैं तेल कहाँ गया रे यार, मेरा तेल भी गिर गया। गाइस शाम हो गई है, बिटिया को तैयार यार हम लोगों ने सब कर दिया है, मैं तो पहले नहा ली थी, ये भी नहा ली है, सब लोग रेडी, अब वो आराम से सो रही है, ठंडी का मजा ले रही है, बेचारी सो जाए, कल से तो सो ही नहीं है एकदम, पता नहीं क्या इसको ठंड लगती है या दर्द दर्द होता है पेट में, सोती नहीं है, मतलब पूरी रात कल जगती रही है समझो। और ये देखिए चाय, इतनी ज़्यादा चाय बन गई, कुछ पूछो मैं, सही है आराम से भर भर के, हाँ बहुत ज़्यादा हो गई पर ठंड में सही है। क्या कर रहे हैं टीवी? ओहो उसने पौधे को ओढ़ लिया, आओ पापा बुला रहे, मम्मा बुला रहे, चलो आओ आओ आ जाओ आ जाओ। देखो बुआ चाची सब आई अब जा रहे हैं, आओ कह रहा है पानी तो रुके तभी तो आए, बताओ बारिश हो रही है यार, सोचने वाली बात है। जा रहे हो? हाँ। बाय बाय, बताओ बारिश हो रही है यार, चलो तुमको वो छोड़ के आएंगे, चाचा इतने कौन है, भैया हाँ भैया छोड़ के आएंगे, चाची और बुआ चले गए घर पे, ये गए छोड़ने, बताओ बारिश हो रही है, मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ, मुझे आवाज आई ना बारिश की, मतलब पानी ऐसे गिरने की, तो मुझे लगा बारिश तो नहीं हो सकती है, किसी और चीज की आ रही हूँ मैं, ध्यान ही नहीं अब बातों में लगी, फिर पापा बोले कि बारिश हो रही, तब मुझे लगा सच में ही हो रही थी, बस गुड़िया रानी सो रही है, अब मौसम ठीक हो जाएगा, बारिश हो गई तो थोड़ा वो हो जाएगी, ठंड कम, ऐसे कपड़े बाहर ही डले रह गए, छत पे मैं धोकर डाल के आई थी, वो सब भीग गए बेचारी के, वैसे सूख नहीं पाते, उससे ज़्यादा गीले हो जाते हैं,
अभी आ जाएंगे फिर जाऊंगी छत पर। छोड़ा है बुआ को? हाँ, बुआ को हमेशा छोड़ा है। बता, बारिश होने लगी है? हाँ, बारिश हो रही है। बस वे कह रहे टेम्परेचर कम होगा तो बर्फ पड़ने लगेगी। नहीं, अब आज इतनी गर्मी भी नहीं लग रही है, जबकि देखो आज सिर्फ टी शर्ट और इनर पहने हम, लेकिन गर्मी नहीं, ठंड। हाँ वही ठंड। तो आगे छोड़ के हल्के हल्की बारिश, अब कल से तो धूप बढ़िया निकलने लगी, सो रही है आराम से। आज बारिश हो गई, इसका मतलब कल से धूप बढ़िया निकलने लगी, बढ़िया निकले तो ठंड भी कम हो जाए। हाँ, ठंड तो कम हो जाएगी, बिटिया को आराम मिल जाए मेरी। मैया खोल के नहीं छोड़ते बिटिया। लो चॉकलेट आधी खा लो, आधी तुम खा लो फिर मैं दे दो। इसी के साथ हम लोग व्लॉग करते हैं अपना एंड। बस खाना ना हम लोग को खाना है, बेटियां हमारी सो रही है, इनके पास है अभी। अरे हंसी थी क्या? तो लेटी हुई आराम। हम लोग जो हैं अब इस व्लॉग को एंड करते हैं। आज मौसम भी सही हो गया और उम्मीद करते हैं कि कल से भी सही हो, ऐसी राहत मिल जाए धूप से हमें भी और बिटिया को भी। मेन इसे मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि राहत मिल जाए धूप से। धूप से ही तो राहत मिली है। नहीं, जैसे ये उसका जब तुमने बोला तो थोड़ा वो डिफरेंट हो गया उसका मीनिंग, पता नहीं, पर मैंने तो उसी से बोला। हाँ, तो बस अब डिनर करेंगे फिर हम लोग सो जाएंगे। तो आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।